यार एक्टिंग मेरी नजर में कुछ और किरदार बन जाना, जो किरदार कर रहा हूँ वो बन जाना और मनवा देना कि हाँ ये वही है, ये मैं नहीं हूँ वो है। हाँ बिलीव करवाना, झूठ को सच, सच को झूठ, जो भी मतलब आपको लगता है कि ईज में रहना है यार, कुछ दिमाग में कुछ फालतू फितूर ना आ जाए, फालतू फितूर ना आ जाए तो उनको तोड़ने के लिए, क्योंकि मेरी एक्टिंग का जो सबसे बड़ा वो है एक एक्टर का, एज एन एक्टर एक्टिंग का क्या बोलूँ, सरलता। मैं सरलता पहले सबसे पहले अपनाता हूँ। जब आप सरल हो, ईजी हो, तो आपको सबसे पहले ऑकवर्ड और वियर्ड चीज़ें नज़र आ जाती हैं, क्योंकि आप सरल हो। अगर आप ही खुद अपने जोन में हो या कुछ और वो चल रहा है, नहीं नहीं ऐसे, तो आप दूसरों को नहीं देख पाओगे और चीज़ें फिर सारी सेंसेस बंद हो जाते हैं, क्योंकि आपने अपने आप को किसी और उस पर रखा हुआ है और उसी पर चले जा रहे हो और चीज़ें नहीं देख पाते हो आप। तो यही है कि रियल लाइफ में मैं वही पार्टिसिपेशन करता हूँ, बातें हैं, कुछ बात है, छोटे मोटे गार्डनिंग करता हूँ, वड़ियाँ बनाता हूँ, जो अमृतसरी वड़ियाँ आती है वो घर पे बहुत अच्छी बनाता हूँ, अचार बनाता हूँ, ड्राइंग करता हूँ और खाना बनाता हूँ। मतलब एज एन एक्टर जो मेरा काम है वो इमोशंस पे रहना है, फीलिंग्स पे रहना है, फिलॉसफी पे रहना है। मेरा काम जज करना नहीं है, मेरा काम दूसरे की गलतियाँ निकालना नहीं है, मेरा काम जो है वो पिचिंग करना नहीं है। तो ठीक है, तो एक्टर का जो आपका काम है वो, मेरा काम है खुश रहना, मेरा काम है इन्वॉल्वमेंट में रहना और चीज़ें ढूंढना, हमेशा सीखते रहना, ये मेरे काम है। एक तो जो पूरी दुनिया है वो स्क्रिप्ट में ही है। जब आप पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ते हो, नरेशन होता है, तो जिसने लिखा है उसका नरेशन आप विजुलाइज करते हो। उसके बाद जब आप घर पे रहते हो और जब आप दोबारा पढ़ते हो, तो एक एक लाइन के मीनिंग्स और खुलते जाते हैं। तो सबसे पहली शर्त तो ये है कि पूरी स्क्रिप्ट को आपको कम से कम 10 बार पढ़ना पड़ेगा, न सिर्फ अपना रोल, हर रोल। मेरा नाम अमृता है। सर आप एकदम से जब आपके मूवीज में टेक्स होते हैं तो सर आप इमोशंस लाने में आपको डिफिकल्टी होती है या फिर सर एकदम से आप इमोशंस ले आते हैं, और अगर सर ले आते हैं तो कैसे ले आते हैं? अच्छा चलो एक राज बताता हूँ इसी में जो इमोशन की बात है ऐसी। एक मेरा सबसे बड़ा टीचर है, उसका नाम है आर्टिफिशियलिटी। यस, नकली। मतलब अगर मुझे हंसना नहीं आ रहा है तो मैं हंसने का कैसे होता है, ऐसे हा 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 हा, ठीक है ये हो गया, या दो तीन, एक हा हो गया, दो हा हो गया, तीन हो गए, चार हो गए, पांच है। तो आर्टिफिशियलिटी जब आप करते रहते हो, है ना, धीरे धीरे तो क्या होता है, लेकिन ये आपके अपने काम होते हैं, ठीक है, क्योंकि आप पहली बार में कहीं भी झंडा नहीं गाड़ सकते कि आपने किला फतह कर गया, पहली बार गए और आप विजय हाथ नहीं। आपको पता है कि आपकी कमियां, सबसे पहली बात आपको पता चला कि ये जो इमोशन वाली बात है कि कैसे ले आते हो, धीरे धीरे जब आप ऐसे करते हो, जो टेक्निकलिटीज़ हैं, ये टेक्निकल चीज़ें हैं जो एक्सरसाइज की मैं बात कर रहा हूँ, इनका इस्तेमाल नहीं करना है ये, क्योंकि क्या होता है कि आपकी बॉडी की आदत वैसी हंसने की है ही नहीं, आप हंसते हो ऐसे ये वाले ऐसे आई, लेकिन यहाँ पे हंसी कुछ और चीज़, ऐसे तो अलग हो जा रहा है यार कैरेक्टर, है ना, तो हंसी इसकी कुछ और होगी, ऐसी होगी ये वाला इसमें जाएगा। तो उसके लिए आप प्रैक्टिस करते हैं, उसके लिए आपकी ब्रीदिंग का पैटर्न बदलता है, आपका साइंस बदलता है, आपकी आर्टिफिशियलिटी उस चीज़ को धीरे 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 रियल की तरफ ले आती है। राघव एक शॉर्ट फिल्म बना रहा था अपनी डिप्लोमा फिल्म, तो मैंने कहा हाँ यार क्या है, आओ यार आओ, उन्होंने देखा दिल्ली का एक एक्टर है उससे मिल लो इस रोल के लिए, वो आया मिला मेरे से, मैंने कहा ये क्या है दोस्त, फिल्म है, फिल्म फिल्म, अच्छा और क्या है फिल्म, मेरा क्या रोल है, नहीं लीड रोल है, ठीक है, लेकिन कहानी क्या है, कहानी एक अपना अपने बिहार से एक बंदा, गरीब सा बंदा आया, मैंने ओह ठीक है, मुझे लगा वो वाला जूते वूते वो सब, अच्छा ठीक है ओके। और जो क्रिएटिव प्रोसेस देखा उसमें, और हीरो में हूँ उसमें, जो भी है, चाहे बनियान में हूँ, बंडी में हूँ, या कुछ भी वो सब चल रहा है, और वो फिल्म ने पूरे मेरा माइंडसेट बदल दिया कि नहीं यार किसी भी आदमी के ऊपर फिल्म बन सकती है, कोई भी लीड रोल कर सकता है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। आर्टिफिशियल होने से मत डरो, है ना, शुरुआत में आप रियल नहीं हो सकते, तो भी आर्टिफिशियल डोंट वरी, घबराओ मत कि ऐसे नहीं हुआ, लोग हंसेंगे, लोग ये बोलेंगे, करो, फेल होने से मत डरो।